वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी एस विद आंसु। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य है अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में सन 1970 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों, वह कमीशन का नाम था मुंगेरी लाल कमीशन। बिहार में सन 1970 में मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 5 जून 1974 को। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था 1967 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? तो दोस्तों, वह जिला है रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में वृद्धि हुई है 14.8%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल है 19.7% का। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है पूसा, जो कि समस्तीपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर अवस्थित है भागलपुर में। अगला प्रश्न है, हरियर क्षेत्र का मेला या
सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है मिथिलांचल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में बिहुल त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों बिहार के भागलपुर जिला में बिहुल त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। बिहुल त्यौहार को विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया था और वह संशोधन था 92वां संशोधन। अगला प्रश्न है, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में द इंडियन नेशन अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था मोहम्मद यूनिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेरोल्ड। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई थी। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर स्थापित की गई थी दानापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना सिटी में। अगला प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित हैं। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी संबंधित थे फिरदौसी सिलसिले से। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता फिरदौसी संप्रदाय को मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है। राजगीर में रोपवे का निर्माण जापान देश की सरकार के सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, विदेशिया के रचनाकार हैं भिखारी ठाकुर, जिसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भिखारी ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कवि नहीं रहा है? तो दोस्तों, पटना का नाम कभी भी नहीं रहा है, वह है कनिक्सपुर, जबकि अजीमाबाद, कुसुमपुर तथा पुष्पुर और पाटलिपुत्र, यह चारों नाम पटना के रहे थे पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो दोस्तों, कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है दरभंगा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो दोस्तों, बिहार में महामाया सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, मैथिल कोकिल कहा जाता है भिखारी ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, बिहार की प्रमुख नदी कौन है? तो दोस्तों, बिहार की प्रमुख नदी है गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1959 में। अगला प्रश्न है, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय एवं परीक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय एवं परीक्षण केंद्र स्थित है मुजफ्फरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2022 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों, 22 मार्च 2022 को बिहार ने अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,134.39 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवाड़ी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवाड़ी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्थान का गठन किया था मौलाना सज्जाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था पटना में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। थैंक यू।